विशापहार के 37वें काव्य पर चलते हैं। स्वयं प्रकाशस्य दिवा निशावा न बाध्यता यस्य न बाधकत्वम् न लाघवं गौरवमेक रूपम् वंदे विभुं कालकलामतीतम् स्वयं प्रकाशस्य दिवा निशावा न बाध्यता यस्य न बाधकत्वम् न लाघवं गौरवमेक रूपम् वंदे विभुं कालकलामतीतम् स्वयं प्रकाशस्य दिवा निशावा न बाध्यता यस्य न बाधकत्वम् न लाघवं गौरवमेक रूपम् वंदे विभुं कालकलामतीतम् सैतीसवें काव्य में महाकवि धनंजय कह रहे हैं स्वयं प्रकाशस्य यस्य, जो स्वयं प्रकाशमान रहने वाले हैं उनके लिए दिवा निशावा, दिन और रात की तरह ना बाध्यता ना बाधकत्वम, यानी उससे ना कोई बाध्यता है और ना स्वयं दूसरों के लिए बाधकपन है। जो स्वयं प्रकाशमान होते हैं, जैसे समो शरण में रात्रि नहीं होती, तो रात्रि और दिन वहाँ होते हैं जहाँ पर अंधकार होता है, प्रकाश आ गया तो दिन हो गया और नहीं है तो रात हो गई, तो वो उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन जो स्वयं प्रकाशमान है उनके लिए दिन और रात की तरह ना किसी से बाध्यता है और ना किसी के लिए बाधक बना है। ना लाघवं गौरवमेक रूपम, ना लघुता है और ना गौरव है, यानी किसी से छोटे भी नहीं है और किसी से बड़े भी नहीं है। एक रूपम, सदा जो एक रूप में जो शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, सदा एक रूप में रहने वाले, काल कलाम अतीतम, जो काल की कलाएं जो हैं उनका भी उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे विभुम वंदे, ऐसे परमेश्वर की मैं वंदना करता हूँ, जो स्वयं प्रकाशमान है इसलिए दिन और रात की तरह जिन पर ना कोई किसी का प्रभाव, बाधकता का प्रभाव पड़ता है, ना किसी के लिए वो बाधक होते हैं और ना वो लघु हैं ना वो गुरु हैं, सदा एक रूप रहने वाले, सभी काल की कलाओं से अतीत, ऐसे भगवान के लिए वंदना करता हूँ, ऐसा इस काव्य में बतलाया है। जहाँ किसी से प्रभावित नहीं होते, उस दृष्टि से यदि अपन देखें, यानी किसी से बाधित नहीं होते ना किसी को बाधित करते हैं। वैसे तो जीवों के बारे में आता है कि जीव दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म और एक बादर। सूक्ष्म जीव होते हैं, ना किसी से बाधित होते हैं ना किसी को बाधित करते हैं, लेकिन वो जो है वो सूक्ष्म जीव देखने में भी नहीं आते। अपन जितने भी संसार के जीव जो देखने में आते हैं वो सब बादर होते हैं, तो उसमें दूसरे के लिए बाधा हो भी जाती है, बाधित भी होते हैं, लेकिन भगवान जो होते हैं वो किसी से ना बाधित होते हैं ना किसी को बाधित करते हैं, और ना किसी से लघु है ना किसी से गौरव है। ये एक अगुरु लघु नाम का गुण भी होता है, नाम कर्म भी होता है और सिद्धों का भी एक गुण होता है। सिद्धों का जो अगुरु लघु गुण है, उन्होंने गोत्र कर्म को नष्ट कर दिया। गोत्र कर्म जिससे नीच और उच्चकल में
जन्म होता है वहाँ पर वो जो गोत्र कर्म के माध्यम से जो कार्य होता है उसको नष्ट कर दिया, अब उनका अगुर लघु गुण प्रकट हो गया। सिद्धों में सारे सिद्ध समान हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। तो ऐसे अगुर लघु उस सिद्धों के गुणों से युक्त हैं। एक अगुर लघु नाम कर्म भी होता है, उसमें शरीर जो होता है ना इतना भारी होता है कि उठ ना सकें और ना इतना हल्का होता है कि हवा से ही उड़ जाए। तो ऐसा जो वो अगुर लघु नाम कर्म होता है। और एक अगुर लघु गुण जो द्रव्य का गुण होता है स्वाभाविक, जिसके माध्यम से द्रव्य की जो अस्तित्व है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है ना, एक द्रव्य जो है दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं होता, एक द्रव्य के गुण बिखरते नहीं है, उसकी इयत्ता मर्यादा बनी रहती है, वो भी एक अगुर लघु गुण कहलाता है। तो भगवान का यहाँ जहाँ वर्णन आ रहा है, भगवान ने अपनी शुद्ध आत्मा को प्रकट कर लिया है और जिन्होंने भी शुद्ध आत्मा को प्रकट किया है उनमें भले ही बड़ी उत्कृष्ट अवगाहना के साथ में उन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया हो और कोई ने छोटी 3.5 हाथ की अवगाहना से सिद्धत्व को प्राप्त किया हो, लेकिन उनकी आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है, कोई लघु नहीं कोई गुरु नहीं। जहाँ व्यक्ति अपने आप को अहंकार से भरा हुआ समझता है वो केवल एक गलत धारणा के कारण में अहंकार से ग्रसित होता है। वास्तव में देखा जाए तो जहाँ आत्मतत्व की बात है, जो अपना शाश्वत है, वो सबके पास बराबर है, तो उसमें अहंकार की बात नहीं। बाहरी वैभव के कारण अहंकार आता है और वो वैभव जो है शाश्वत नहीं है, क्षणभंगुर है, कब नष्ट हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं। तो उस पर अहंकार यानी झूठा अहंकार है। पहले के समय में जब विवाह होते थे, लोगों से सुना कि वो पहले शादी के समय में जब जेवर आदि लेकर के जाते थे तो गरीब घर के लोग जो हैं, जो धनाढ्य होते थे, उनके घर से जेवर आदि लेकर के जाते थे और वहाँ पर शादी के समय में प्रदर्शित करते थे, थाल में रख करके दिखाते थे और लोग उनको देख करके कि अरे भैया बहुत अच्छा लड़का मिला है, देखो कितना सारा जो है जेवर चढ़ा रहे हैं। अब वहाँ पर जो लड़के वाले हैं वहाँ पर ठसक तो दिखाते हैं, लेकिन मनी मन में क्या सोचते हैं कि सब ये मांगे की जो है जेवर है, मांगे का चढ़ाया है, हमारा तो कुछ नहीं है। ठसक दिखाते हैं लेकिन मन में ये सोचते हैं कि ये हमारा नहीं है। ऐसे ही कभी कोई ठसक दिखाए तो मन में ऐसा भाव यदि उसके रहे कि ये ठसक हमारी झूठी है, क्योंकि ये जो है शाश्वत हमारी संपदा नहीं है, तब तो वो जो है वहाँ पर उसकी ठसक के साथ में भी वहाँ उस पदार्थ से भिन्नता का अनुभव करने के कारण में वो उस मान कसाय के कारण पतन का पात्र नहीं बनेगा। लेकिन जो उसमें बिल्कुल एकदम भूल करके और गाफिल होकर के अपने आप को ऐसा मानता है कि हमारे समान कोई नहीं है, तो वो तो जो है उसके लिए अधोगति का कारण बनेगी। तो ऐसे यहाँ पर ना किसी से लघु ना किसी से गुरु, ऐसे जो भाव होते हैं, एक होता है दीनता का भाव, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को लगता रे यार हमारे तो हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है, वो भी जो है वहाँ पर एक दीनता का भाव, हीनता के कारण वो भी जो है एक दुखों को आगमन करने वाला असाता वेदनी के आश्रव का कारण बनता है। और दूसरा होता है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, उसमें लगता है कि नहीं मेरे जैसा कोई नहीं है। तो वहाँ पर भी दोनों अहंकार हैं, एक अहंकार में जब जहाँ पर कि मैं कुछ हूँ वो मान रहे हैं, वो भी अहंकार है, क्योंकि अहम करोति इति अहंकारा, अपने आप को जो अपन है उससे कुछ और मानने लगते हैं, चाहे वो दीनता का भाव हो चाहे वो अहंकार का भाव हो, दोनों ही अहंकार की ही परिणतियाँ हैं, मान कषाय की ही परिणतियाँ हैं। तो उनसे ऊपर उठने के लिए भगवान का जो अगुर लघु गुण है उसके माध्यम से उस अहंकार से ऊपर उठने की प्रेरणा अपने लिए प्राप्त होती है। जब आचार्य श्री के जीवन को देखते हैं तो उनके जीवन में वो किसी के प्रभाव में नहीं आते, यानी किसी से बाधकता को प्राप्त नहीं होते। जब उनके सामयिक का काल होता है,
आवश्यक काल होते हैं उस समय में उनका समय पर ही वो कार्य होता है। भले ही बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर हों, मिनिस्टर हों, कोई भी आए, एक बार बड़ा प्रतिक्रमण जो चतुर्दशी को होता है 2-2.5 घंटे लगते हैं, और उमा भारती उस समय में चीफ मिनिस्टर थी, आने वाली थी, उनका जो आने का समय था वो विलंब हो गया और चतुर्दशी थी, तो आचार्य जी ने अपना प्रतिक्रमण प्रारंभ कर दिया। बहुत देर तक बैठी रहीं कि अब शायद पूर्ण होगा, लेकिन 2-2.5 घंटे का जब उन्होंने सुना तो निराश होकर के कहीं और जाना था। लेकिन वो जो है प्रभावित नहीं होते, और ना किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ विशेष उनके जीवन में वो परिवर्तन करते हैं कि सामने वाले को जो है दिखाने के लिए। जब अमित शाह उनसे मिले थे उस समय में, अमित शाह ने बाद में कहा था कि 2-2.5 घंटे तक उन्होंने हमसे बात की, हमको जो है निर्देशन दिए, लेकिन एक बार भी कि अपने धर्म के बारे में या अपनी कोई समस्या को उन्होंने हमारे सामने नहीं रखा, केवल मानव समाज राष्ट्र के लिए उन्होंने उपदेश दिया। तो वहाँ पर किसी को जो है प्रभावित करना, किसी के लिए बाधित बनना भी जो है वहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता। तो वो वहाँ पर उनके जीवन में वो जो गुण जो है परिलक्षित होते हैं उसके माध्यम से अपन यहाँ पर समझ सकते हैं। और इसमें एक दिया कि जो काल की कला से भी प्रभावित नहीं होते, काल का जो है प्रभाव पड़ता है। जहाँ सामयिक का वर्णन आता है उसमें कई प्रकार की सामयिक होती हैं। एक होती है नाम सामयिक। नाम सामयिक का अर्थ है किसी भी प्रकार के नाम में वहाँ पर मन में विकार उत्पन्न ना हो। नाम सुनकर के भी कई कई बार ऐसे नाम भी होते हैं जिनको सुनकर के हंसी आती है किसी के लिए, अरे क्या नाम रखा है, या बहुत अच्छा नाम है। तो उसमें नाम से प्रभावित नहीं होना, यानी उस समय में समता का भाव बना रहना, ये नाम सामयिक कहलाती है। एक प्रसंग जिसमें आप लोगों ने हमने बचपन में कि जहाँ किसी का नाम कुछ रख दिया वो वहाँ पर कि हमारा नाम ऐसा क्यों रखा, हमारा नाम हमें बदलना है, और वो सब जगह ढूंढता है कि, और उसको कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं उस समय में समझ में आता है कि उसमें लक्ष्मी कंडा बीनती, लक्ष्मी नाम है लेकिन कंडे को बीन रही है, और हल हाके धनपाल, नाम धनपाल है लेकिन हल को हाँक रहे हैं, और अमरचंद भी मृत हुए, अमरचंद नाम है लेकिन मरण को प्राप्त हुए, कौन जीवित रहता है यहाँ पे हमेशा। तो हम नौ ने ठन ठन पाल, उसने कहा हम तो ठन ठन पाल ही अच्छे हैं, जब देख रहे हैं नाम में कि यहाँ पर सब विपरीतताएं देखी जा रही हैं, तो हमारा जो नाम है हम जिसको परिवर्तन करना चाह रहे थे उसको परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो है आप केवल उदाहरण के रूप में कि नाम से प्रभावित नहीं होना, ये नाम सामयिक कहलाती है। स्थापना सामयिक होती है। स्थापना में जहाँ जिन बिंब में स्थापना होती है, कई बिंब अपने लिए बहुत आकर्षित करते हैं। गोमटेश्वर बाहुली भगवान के बिंब के बारे में विशेष रूप से लोगों का दर्शन करके जो आनंद की अनुभूति होती है, तो उसमें कहा जाता है कि क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी वहाँ पर जाकर के, और उसके मन में भी जो है श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। एक बरैया, गोपालदास जी बरैया हुए हैं, उनकी पत्नी का स्वभाव जो है धर्म में ज़्यादा नहीं था, क्रूर स्वभाव था, लेकिन एक बार जब वो वहाँ गई और बाहुली भगवान के दर्शन करके वो चरणों में नतमस्तक हुई, इधर जो है पंडित जी ने 3 परिक्रमा भी कर ली और देखा कि ये अभी तक जो हैं बिल्कुल नतमस्तक हैं, तो उन्होंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना पहाड़ चढ़ के आई हैं तो बेहोश हो गई हूँ, और उन्होंने उनको हाथ लगाया तो वो कहने लगी क्या कर रहे हो, ढंग से दर्शन भी नहीं करने देते हो। तो उन्होंने सोचा कि भैया बाहुली भगवान का प्रभाव है कि अभी तक इनके दर्शनों में भाव लगे हुए हैं। तो ऐसे जाने बिंब को देख करके वहाँ पर जो स्थापना में, कुछ बिंब ऐसे भी होते हैं जिनके
जो संस्थान को देख करके कई कई बार लोगों के मन में कि अरे ये तो जो है जो प्रतिमा बनाने वाले ने अच्छे से प्रतिमा नहीं बनाई, ऐसे भाव भी हो जाते हैं। तो उस समय में जो संस्थान हैं उन सभी संस्थानों के प्रति साम्य भाव बना रहे, वो जो है सामयिक का भाव क्या है, समता के भाव, ना उसमें राग की परिणति रहे ना द्वेष की परिणति रहे, तो ऐसी जो है सामयिक स्थापना सामयिक कहलाती है। द्रव्य सामयिक, सब प्रकार के द्रव्यों में, चेतन अचेतन द्रव्यों में, उनमें जो है समता का भाव बना रहे, तो वो एक बहुत ऊंची बात होती है कि उसमें आचार्य श्री के जीवन में कैसे ही कई बार उन्होंने देखा कि एक बार जो है निकल रहे थे और वहाँ पर कोई साधु को उन्होंने थूकते हुए देख लिया। थूक जब भी निकलेगा ग्लानी के कारण निकलेगा, और उन्होंने उस समय में तो कुछ नहीं, बाद में जो है उपदेश के रूप में कहा कि कई बार कुछ दृश्यों को देख करके लोगों के मन में जो है ग्लानी के भाव उत्पन्न होते हैं और वहाँ मुख से जो है थूक निकल आता है, लेकिन अपने को सोचना चाहिए कि जो दलदल आदि हो, कीचड़ आदि हो, उस पदार्थ को देख करके अपने मन में ग्लानी के भाव आ रहे हैं, लेकिन अपन ने वहाँ पर अनंत काल बिताया है। वो निगोद का स्थान, ऐसी जगह पर ही निगोदिया जीव रहते हैं अधिकतर, तो वो अपनी जन्मभूमि रही है। यदि अपन ऐसी दृष्टि रखें तो उसके प्रति ग्लानी का भाव कैसे आ सकता है। तो जो उत्कृष्ट साधु होते हैं उनके लिए कहा जाता है नो निष्ठी वेद, उनके मुख से कभी थूक नहीं निकलता, क्योंकि ग्लानी का भाव नहीं होगा तो कहाँ थूक निकलेगा। और आता है कि जो कभी दीवार से टिकते नहीं, यानी टिक करके नहीं बैठते, तो ये भी जो है उत्कृष्ट साधना के रूप में कहा जाता है। तो उसके माध्यम से जो द्रव्य, चाहे चेतन अचेतन द्रव्य हो, उन सब के प्रति समता का भाव रखना, ये जो है द्रव्य सामयिक। फिर क्षेत्र सामयिक, किसी भी क्षेत्र में रहें वहाँ पर राग द्वेष की परिणति ना रहे, बहुत सुंदर दृश्य हो तो उससे भी प्रभावित नहीं, और जहाँ पर कोई अच्छा मनोज्ञ दृश्य दिख नहीं रहा हो वहाँ पर भी उससे प्रभावित नहीं होना, तो ये जो है क्षेत्र सामयिक कहलाती है। फिर इसके बाद में काल सामयिक, काल सामयिक में तीनों प्रकार से मतलब एक जो ऋतुओं का प्रभाव रहता है परिवर्तन, कई लोगों को जो है ये अच्छी नहीं लगती ऋतु की गर्मी अच्छी नहीं लगती, कभी बरसात अच्छी नहीं लगती, कभी ठंड अच्छी नहीं लगती, तो ऐसी जो है उनसे भी हर ऋतु में वहाँ पर समता का भाव बना रखना। और तीन काल जो है सुबह दोपहर शाम का होता है, तो उसमें भी उस काल से भी केवल सुबह की सामयिक बहुत अच्छी हो जाती है, शाम की सामयिक बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन दोपहर की सामयिक में भोजन के कारण प्रमाद होता है तो उससे प्रभावित हो जाते हैं, तो वो भी उससे भी प्रभावित नहीं होना, वो काल सामयिक कहलाती है। तो ऐसी जो है यहाँ पर भगवान के लिए लिखा है कि वो काल की कला से अतीत हैं, उनका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि काल के माध्यम से पर्यायें निकलती हैं, लेकिन उन्होंने शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है, और उसमें शुद्ध अवस्था होने के कारण में वहाँ पर उनकी जो है शुद्ध अवस्था से परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन तो उनमें होता है, लेकिन वो परिवर्तन जो कि संसार में प्रवेश कराने वाला होता है या जो संसार में दृष्टिगोचर होता है वैसा परिवर्तन नहीं होता, तो वो काल की कला से अतीत हैं, पुनः संसार में उनका आगमन नहीं होता। ऐसे भगवान के लिए यहाँ पर कि मैं ऐसे परमेश्वर की वंदना करता हूँ। श्रावकों में भी कई बार लोग जो है दूसरों की दुर्जनता से भी जो है अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते। एक धर्म शरण नाम के एक सेठ जी बनारस के, और एक बार उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गंगा में डूब रहा है, कोई उसको बचाने नहीं जा रहा है, तो स्वयं सेठ जी ने छलांग लगा करके उसको बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद देखा तो वो उन्हीं का मुनीम था। उन्होंने पूछा क्यों, किसी ने धक्का दे दिया था क्या, कहले नहीं, तो फिसल गए थे क्या, कहले नहीं, तो फिर क्यों पानी में थे, तो उसने अपनी गर्दन झुका ली। तो उन्होंने पूछा क्यों आत्महत्या करने क्यों डूबे थे,
तो उसने कहा कि मैंने आपके जो पैसे काम के लिए लिए थे उसको मैंने सट्टे में लगा दिया और सारे के सारे पैसे चले गए, तो मैंने सोचा आप मुझे जेल में डलवा दोगे और बदनामी के कारण मैंने जो है मरने का जो है रास्ता अपनाया था। तो उन्होंने कहा कि ये तुम जो पैसे जो हार चुके हो, गवा चुके हो, उसको जो है उसमें कि घाटे में डाल देना और ऐसा काम कभी दोबारा नहीं करना। तो उसने सोचा कि आप तो अब मुझे मुनीम के रूप में नहीं रखोगे। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं रखेंगे, तुम युवा हो, गलती हो सकती है और आगे ऐसी गलती नहीं करना। और उसको फिर से जो है काम पर जो लगा हुआ था लगा रहा। समय व्यतीत हुआ और उस साल सेठ जी को 1,00,000 रुपए का फायदा हुआ। पुरानी घटना है, 1,00,000 रुपए उस जमाने में करोड़ों से कम नहीं थे। तो उसने सोचा कि यदि ये 1,00,000 प्राप्त करना है तो सेठ जी को जो है रास्ते से हटाना होगा, और इनका लड़का छोटा है, समझदार नहीं है, और फिर वहाँ पर घाटा दिखा करके सारा पैसा मैं कर लूँगा। ऐसा सोच करके उसने एक गिलास दूध जिसमें सांखियाँ मिला करके लाया था और कहा कि सेठ जी आपकी बहू ने ये भेजा है, हमारे यहाँ गाय ने 10 दिन पहले बछड़ा दिया था, 10 दिन तक तो दूध पीते नहीं है उसका, आज जो है पहली बार दूध पीने के योग्य हुआ है। तो बहू ने कहा कि सबसे पहले आपको पिला करके हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। सेठ जी ने कहा टेबल पर रख दो, अभी हमने भोजन नहीं किया है, भोजन के बाद हम पी लेंगे। और जब उसने सेठ जी को दुकान पर देखा तो उसको समझ में आया, बाद में पता पड़ा कि बिल्ली उसको पी गई थी और बिल्ली मरण को प्राप्त हो गई। तो जहाँ मनुष्यों के मरण के बारे में भी कोई ध्यान नहीं देता, वहाँ पशुओं के मरण पर कौन ध्यान देता। लेकिन सेठ जी को सपना आया और उन्होंने सेठानी से कहा कि हमें ऐसा लगता है सपने के माध्यम से कि उस दूध में कुछ मिला था, इसलिए वो बिल्ली मरण को प्राप्त हो गई। तो उन्होंने कहा कि जब ऐसा दुर्जन है तो क्यों नहीं निकाल देते घर से। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो जो है अपने स्वभाव से दूर नहीं जाएंगे, अपनी सज्जनता के माध्यम से उसको परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। और जब उसने देखा कि ये चाल सफल नहीं हो पाई तो उसने घूमते हुए सपेरों से पूछा कि भाई कोई जहरीला सांप है, तो उसने कहा 2 दिन पहले ही पकड़ा है। और जहाँ सेठ जी सोते थे वहाँ पर उसने पीछे ऊपर से खिड़की से उस सांप को एक मटके के माध्यम से छोड़ दिया। और जब सुबह देखा तो वहाँ सेठानी ने देखा कि सांप वहाँ से निकल करके जा रहा है, और आवाज़ लगाई तो नौकर जो है डंडा लेकर के आ गया। सेठ जी ने कहा कि नहीं नहीं, ध्यान से उस सांप को कोई क्षति ना पहुँचे और उसके लिए दूध आदि रख दो, और उसको यदि पकड़ में आ सके छोड़ने की यदि स्थिति हो तो ठीक, नहीं तो बहुत बड़ा घर है, कहीं पर जो है चला जाएगा। सेठानी कहने लगी कि ऐसा सांप घर में रहेगा तो हम कैसे रहेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसे बहुत से सांप पलते रहते हैं, अपने को पता नहीं पड़ता है, इतना बड़ा घर है, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर सांप होंगे लेकिन अपने देखने में नहीं आते। तो ऐसा कह करके उन्होंने उसको वहाँ पर, जब उसने फिर देखा तो इसमें भी सफलता नहीं मिली, तो उसने कुछ उपद्रवी तत्वों से साठ गांठ करके कि सेठ जी का पीछे से जो है घर का जो द्वार है वो कमज़ोर है, वहाँ से अपन इनके घर में चोरी करने घुस सकते हैं। और वो पीछे के दरवाजे से घुसा और उसी समय में सेठ जी की नींद खुल गई। सेठ जी वहाँ पर पहुँचे तो वो दोनों तो शातिर थे, दोनों भाग गए और ये वहाँ पर पकड़ा गया। और उस समय में चरणों में झुक करके रोते हुए माफ़ी मांगने लगा कि एक बार और क्षमा कर दो, अब मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगा। सेठ जी ने कहा पक्का वादा करते हो, तो उसने कहा हाँ पक्का वादा करता हूँ। तो सेठ जी ने उसको उठा करके गले से लगा लिया और कहा कि अपने वादे पर अडिग रहना। और उसके बाद में कहते हैं कि वो सेठ जी का सबसे विश्वास पात्र बन गया, उसके जीवन में भी परिवर्तन
आ गया। उन्होंने अपनी सज्जनता नहीं छोड़ी दुर्जन की दुर्जनता को जीतने के लिए, तो वो दूसरे से प्रभावित नहीं हुए और ना उसको बाधित किया। तो ये भी अपन इस काव्य के साथ में उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। स्वयं प्रकाशश दिवा निशावा, न बाध्यता यस न बाध्यकत्वम्। न लाघवं गौरवमेक रूपम्, वंदे विभुं कालकलामतीतम्। स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला, जिन वर स्वयं प्रकाशित, नारा सब काल की कला से, हो अतीत चरणों माथा, न लघु गुरु किसी से, एक रूप सदा धारा, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला, पद मात्रा से दूषित वचन अगर रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दयाशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंता मणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।